मुझे लग रहा है कि इंडिया भी T20 सीरीज से फॉरवर्ड हुई नहीं है, उन्होंने ओडीआई को T20 बना दिया है। ठीक है, जिस तरह से उन्होंने 116 पे ऑल टीम बुक कर दिया है, किसी बॉलर ने अपना कोटा भी पूरा नहीं किया, 10 ओवर मिले हैं यार वो तो पूरे कर लो, लेकिन जी हर्षदीप साहब आए आते साथ उनकी टांगे तोड़ी है उस बंदे ने, किसी को नहीं चलने दी यार। एक्सपीरियंस साइड सी हैंड्रिक्स मार्क डेविड मिलर इवन के बिल्कुल उसको भी नहीं हिलने दिया। एंडरसन क्लासन सोया हुआ था, मुझे फोन आया, मैं कह रहा हूं 9-10 मिनट मैच चलेगा, मुझे फोन आया मैच मुक गया, ये क्या हुआ भाई? ये तो मतलब वो क्या उसे कहते हैं दुबई में जो 10 लीग होती है ना, 10 ओवर में T10 लीग, वो तो उस तरह का मैच लगा सके शुरू होते ही पहले वो खत्म हो गया मुन्ना भाई का डायलॉग ना भाई, ये तो शुरू होते ही खत्म हो गया वो हुआ था भाई। फिर क्या आए हैं जिस तरह साउथ अफ्रीका उछल रहा था ना बारिश की वजह से, असल में वो पहले T20 जीते हैं तो आज जो है ना बारिश नहीं थी तो एक्सपोज हो गए हैं अपने घर में, खुद एक्सपोज हो गए हैं। लोग बड़े कह रहे थे इंडिया सिर्फ अपने घर में परफॉर्म कर सकता, बाहर जाकर परफॉर्म नहीं करता, लेकिन आप कह सकते हैं कि इंडिया जो है वो बाहर भी परफॉर्म करता है? किसने जिन लोगों ने क्या उनके मुंह पे उन्होंने थप्पड़ मारा, क्यों नहीं कर सकता परफॉर्म? आपने वो जो T20 सीरीज हुई थी ऑस्ट्रेलिया और इंडिया की, उसमें ऑस्ट्रेलिया सिडनी ग्राउंड में उसने हार्दिक पांड्या ने 3 पे 12 2 छक्के मार दिए थे, इनको वो नहीं नजर आता ऑस्ट्रेलिया को, ऑस्ट्रेलिया में इन्होंने हराया ठीक है, फिर टेस्ट मैच के अंदर ऑस्ट्रेलिया को सीरीज हराई यंग टीम ने इनकी, बिल्कुल वो इंडिया ऐसी टीम है, ये तो लोग हैं फजूल बातें। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं जी? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आज मैंने दोबारा आपको माजरत दोबारा आपको मैंने बुलाया इंटरव्यू के लिए। अच्छा मुझे ये बताइए, आज इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका का मैच था 116 रन पे, सिर्फ 116 रन पे बिल्कुल ही टीम को बोल्ड करके रख दी, क्या कहेंगे इंडिया की बॉलिंग के लिए? यार मुझे लग रहा है कि इंडिया भी T20 सीरीज से फॉरवर्ड हुई नहीं है, उन्होंने ओडीआई को T20 बना दिया है। ठीक है, जिस तरह से उन्होंने 116 पे ऑल टीम बुक कर दिया है, किसी बॉलर ने अपना कोटा भी पूरा नहीं किया, 10 ओवर मिले हैं यार वो तो पूरे कर लो, लेकिन जी हर्षदीप साहब आए आते साथ उनकी टांगे तोड़ी है उस बंदे ने, किसी को नहीं चलने दी यार। एक्सपीरियंस साइड सी हैंड्रिक्स मार्क डेविड मिलर इवन के बिल्कुल उसको भी नहीं हिलने दिया एंडरसन क्लासन बिल्कुल, और आविष्कार ने कहा जी अगर आप विकेट ले रहे मैं पीछे क्यों रहूं, खान ने भाई प्रॉपर मुकाबला किया, 4 आउट किए हैं, वो तो गलती से कुलदीप यादव एक विकेट ले गया वरना 2 फाइवर हमें देखने को मिलते। और यार जिस तरह से ये यंग बच्चे जो हैं जाके परफॉर्म कर रहे हैं उनकी कंट्री में ओवरसीज कंडीशंस में, यार ये सबको हैरान कर रहे हैं, क्योंकि किसी की ये था कि टीम इंडिया जीत जाएगी लेकिन इस तरीके से जलील करेगा उन्हें, ये आइडिया नहीं था बिल्कुल। ऐसे ये लोग कह रहे थे कि इंडिया सिर्फ घर में परफॉर्म कर सकते हैं, आप देखिए एक तो परफॉर्म भी कर रहे हैं बाहर और एक यंग टैलेंट लेके जाके परफॉर्म कर रहे हैं, जमीन आसमान का फर्क है। या तो होता है ना सीनियर जाके खेल रहे हैं वो एक अलग बात है, लेकिन जूनियर जाके खेल रहे हैं और उन्होंने दूसरी कंट्री में साउथ अफ्रीका के टूर में भेजा, तो ये बहुत डिफरेंस है। क्या कहेंगे इंडिया के यंग टैलेंट जो कि किसी कंट्री को टिकने नहीं दे रहे हैं? सर इसमें थोड़ा सा टच दूंगा, जिस तरह MS धोनी आज तक गए, रोहित शर्मा गए, विराट कोहली गए, ऐसा कैप्टन कोई भी सक्सेसफुल नहीं हो सका, सिर्फ एक सीरीज जीते आज तक साउथ अफ्रीका में, लेकिन जब सूर्य कुमार T20 के लिए गए उन्होंने 1-0 कर दिया, 1-1 कर दिया, जीत जाते अगर बारिश ना होती। अब गए के राहुल जो कि स्टैंड बाय कैप्टन, रोहित बाई चांस नहीं खेलता तो ये कैप्टन बनते हो, जिस तरह इन्होंने आउट ऑफ सिलेबस लड़कों से प्लान एग्जीक्यूट करवाए हैं, ओपनिंग बॉलिंग करवाई है, यार कैप्टन का अप्रिसिएशन बनती है, लोग कहते हैं कैप्टन का हाथ नहीं होता, कैप्टन का बड़ा हाथ है हमारा देख ले, शान महसूस साहब पहला टेस्ट था टू अर्ली है लेकिन जिस तरह हम जलील हो गए हैं, तो यार इंडिया जो है ना अगले 10 साल वर्ल्ड क्रिकेट पे राज करने वाला है, कह सकते हैं इस टाइम जो है वो बेताज बादशाह बन चुका है क्रिकेट वर्ल्ड का इंडिया। सर मानना पड़ेगा, हम कौन होते हैं ना मानने वाले, वो परफॉर्म करके दिखा रहे हैं, कंट्री में खिला लो, ICC इवेंट्स में खिला लो, सिर्फ थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट बैड लक है कि ICC इवेंट का जो नॉकआउट है या फाइनल है उसमें नहीं खेल पा रहे, बाकी देखें कोई बायलैटरल सीरीज है वे है, ऑस्ट्रेलिया में कोई होते जा रहे हैं बिल्कुल, ऑस्ट्रेलिया में कोई टीम जीत नहीं सकती आज तक, ये लोग जाके जीते हुए हैं। सर मुझे एक बात का जवाब दीजिए, किसी को हराना ठीक है लेकिन इतना बुरा हराना कि अगले की अपने मुल्क में इज्जत ना रहे, ये इंडिया ने क्या नई रवायत शुरू कर दी है यार, ये ह्यूमिलिएशन कर रहा है इंडिया, मैं कहता हूँ ये अलाउ नहीं होनी चाहिए यार, उनको थोड़ा सा मौका तो दो, वो भी एक क्लास के प्लेयर हैं यार, ये रूल अटैच करना चाहिए, अगर 100 से कम अगर कोई टीम आउट कर दे तो उसमें कोई 100-150 स्कोर एक्स्ट्रा उनको ऐड करके दिया जाए, स्पेशली इंडिया के खिलाफ जब खेला जाए, ये रूल ऐड करना चाहिए यार। मैं तो कहता हूँ साउथ अफ्रीका को तो एक बारी और देनी चाहिए, इनको 20 विकेट दें, जैसे वर्ल्ड कप में 83 रन पे ऑल आउट हो गए, तीसरे T20 में 95 पे हो गए, बिल्कुल आज फिर हो गए, तो भाई इनको तो 20 विकेट दो, खासकर इंडिया के में इनको डबल बारी देनी पड़ेगी बिल्कुल, ऐसे इंडिया के खिलाफ, क्योंकि इंडिया का एक टेरर उनके माइंड में बैठ गया, उनके सामने आते हैं तो उनकी टांगे कांपने लग जाती हैं, तो इनको पता ही नहीं चलता यार मैंने किस तरह, हालांकि प्लेयर्स हल्के नहीं थे, ए साइड है वर्सेस बी साइड है, और बी साइड मुझे लग रहा है कि अब जो इंडिया को चाहिए बी साइड को वर्ल्ड कप में भेजे, ए साइड नो डाउट हम विराट कोहली रोहित को मिस कर रहे हैं लेकिन यार ये लड़के उनसे भी आउट क्लास कर रहे हैं। आपकी स्पोर्ट किसकी तरफ?
सर स्पोर्ट डेफिनेट इंडिया की तरफ है, रीजन अच्छी क्रिकेट खेल रहा है, हम क्रिकेट के फैन है, हमें एंटरटेनमेंट चाहिए। जिस तरह उनके लड़के यंग से यंग लड़का निकल के आ रहा है वो कह रहा है जी हमें कंपीट करके दिखाओ, किसी से कंपीट नहीं हो रहा, ये साउथ अफ्रीका नहीं कर रही, मुझे तो अपना डर है पाकिस्तान कैसे कंपीट करेगा। तो भाई इंडिया आगे अफगानिस्तान आने वाली, अफगानिस्तान का क्या हाल बनेगा इसका तो मोए मोए ही हो जाना है। सर डेफिनेट सी बात है, जो लोग इतनी बड़ी बड़ी ऑस्ट्रेलिया चैंपियन साइड, उसके बाद साउथ अफ्रीका सेमीफाइनलिस्ट, उनको नहीं छोड़ रहे अफगानिस्तान क्या कर, लेकिन बच्चों के सामने अफगानिस्तान तो गया, नई टीम ने उनके घर में घुस उनको मारा। बिल्कुल सर देखें, एक ओडीआई के मैच को T20 में कन्वर्ट कर दिया, मतलब के बिल्कुल जिधर 8 घंटे लोग देखते हैं उधर उन्होंने 2-3 घंटे 4 घंटे में मैच खत्म कर दिया। सोया हुआ था, मुझे फोन आया, मैं कह रहा हूं 9-10 मिनट तक मैच चलेगा, मुझे फोन आया मैच मुक गया, मैं कहा ये क्या हुआ भाई, ये तो मतलब वो क्या उसे कहते हैं दुबई में जो 10 लीग होती है ना, 10 ओवर में T10 लीग, वो तो उस तरह का मैच लग रहा था कि शुरू होते ही पहले वो खत्म हो गया, खत्म हो गया मुन्ना भाई का डायलॉग है ना भाई, ये तो शुरू होते ही खत्म हो गया वो हुआ था। अभिष खान 4 विकेटें, न्यू यंग टैलेंट अर्शदीप 5 विकेटें, कुलदीप यादव 1 विकेट, क्या कहेंगे इतना कम रन दे के साउथ अफ्रीका में जाके यंग टैलेंट इंडिया का परफॉर्म कर रहा है। कम रन तो पाकिस्तान ने भी बनाए हैं क्योंकि वो टीम भी गई है ना कहीं पे, तो डिस्कस कर ले के एक वो टीम है जो के मतलब कह के दावे करे गई थी कि हमने वार्नर को यादगार नहीं बनानी डेली सीरीज, तो ये कर दो, ये टीम में बगैर कुछ दावे के गई है और चुप करके खामोशी से उनके घर में मतलब घुस के तबाही मचा के आ गई है, और होम ग्राउंड में हराना बहुत बड़ी बात होती है, और वनडे में T20 के बाद उन्होंने प्रूव किया कि हम वनडे की भी अच्छी टीम है। बिल्कुल, अब ये लोग चुप हो जाएंगे, खामोश हो जाएंगे, लोग कह रहे थे कि सिर्फ इंडिया होम ग्राउंड, अब ये भी ये बोलेंगे दोबारा। सर ये लोग वही हैं जो कि अभी पाकिस्तान का मैच हो रहा है इनमें से किसी ने नहीं देखा होना, इन लोगों ने भी इंडिया का मैच देखा मतलब जुबाने चुप कर दी है ना, बंद कर दिए इंडिया वालों ने कि यार जो कह रहे थे इंडिया सिर्फ घर का शहर है बाहर जाकर परफॉर्म नहीं कर सकता। सर अभी करने लगे और बंद, अभी ये जो टेस्ट मैच होना उसमें भी उसने बंद कर लिया, पेशेंटल ने भी टेस्ट में बंद कर दिया, मतलब कि पार्टी बाकी है, पार्टी बाकी, फिर हम कंपेयर करेंगे कि जी पाकिस्तान ने सिडनी में क्या किया, उन्होंने उधर क्या किया, वो फिर भी बोलेंगे साउथ अफ्रीका छोटी टीम, ऑस्ट्रेलिया बड़ी टीम है, ये इस तरह की जुबानें बंद नहीं हो रही कभी भी, ये हर साल बाद थोड़ा सा बाहर आते हैं और साल बाद फिर ये ना जब कोई इनकी बात साबित होती है ना तो ये ऐसे छुप जाते हैं, लेकिन आप लोगों ने अब नजर रखनी है इनके ऊपर और आपने देखना है कि ये कौन बंदे हैं, उनको पूरा साल जलील करने का, ये करके टीवी तोड़ दे अपने, इनके घर में इनको केबल उतरवानी पड़ रही है। अच्छा एक गाना बड़ा फेमस हुआ है मोए मोए, हाँ साउथ अफ्रीका के साथ मोए मोए वाला सीन नहीं हो गया, मोए मोए अच्छा मोए मोए हो गया आज। अच्छा मुझे ये बताइए, पिच भी उनकी, बॉल्स भी उनकी, टीम भी बड़ी उनकी साउथ अफ्रीका वालों की, इंडिया की टीम भी यंग टैलेंट, फिर भी इतने कम रन, इतनी बेइज्जती, रीजन क्या है? साउथ अफ्रीका डर गया था इंडिया से, उनके यंग टैलेंट से डर गया कि क्या रीजन क्या लग रही है? सर T20 की जो परफॉर्मेंस उनकी उन्होंने देखी है, जाहिर सी बात है अगर हम देखते हैं तो वो क्रिकेटर्स भी देखते होंगे, क्रिकेटर्स को भी पता है कि यार क्या हो रहा है, तो वो मतलब इस चीज़ पे मतलब फन नजर रखते हैं, तो भाई डर तो है थोड़ा सा, खौफ तो होता ना कि यार अब जब शाहिद आता था मुझे याद है वो विराट कोहली ने भी वो जब सिंगल लेकर जुनैद खान इधर आया था, मैच था बड़ा जबरदस्त, तो छक्के मारे तो आया था, सिंगल लेके उधर आया तो विराट ने भी सिर पे हाथ रख लिया, तो उन्हें भी ऐसे हो गया, तो मतलब प्लेयर्स का इतना इंपैक्ट होता है यार ये इसको ये क्यों सामने आ गया, जैसे हमारे सामने विराट कोहली आया हम भी कहते यार नहीं 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 इसको किसी तरह सिंगल लेके इधर लेके आओ आवर उसका बिल्कुल हो, तो ये वाली चीज़ बहुत ज़्यादा इंपैक्ट। इंडिया का भी खौफ पूरे दुनिया में फैल गया है कि यार जितनी भी क्रिकेट वर्ल्ड है अब इंडिया मेरे ख्याल में पूरी दुनिया पर राज कर रही है, और इंडिया का खौफ जो है वो दिलों में बैठ गया टीम में। बिल्कुल सर, जैसे एक टाइम पे माइटी ऑस्ट्रेलिया होते थे वो माइटी है क्या कह सकते हैं, काली आंधी की तरह का खौफ उनके ऊपर ज़रा बैठ गया कि मतलब ब्लैक वो आती थी ना क्या उसे ब्लैक स्टॉर्म आता था, तो वो उस तरह का सीन कुछ बना रहे हैं इंडिया। अच्छा, आपकी सपोर्ट किसकी तरफ? इंडिया की तरफ, जाहिर सी बात है हमारे हम जुबान है नेबर से हमारे, तो उनको सपोर्ट करेंगे, गौरव को क्यों सपोर्ट करेंगे, सीन पे आउट कर दिया, मतलब कि इंडिया करना क्या चाह रही है, इसको कोई हरा भी सकता कि नहीं हरा सकता, अब इनको कोई इनसे कोई जीत ही नहीं पा रहा, यही तो आपको बता रहा हूँ, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया ऐसी दो टीमें हैं जिनको हराना बहुत मुश्किल, बाकी टीमें ये बहुत पीछे चली गई हैं। ऑस्ट्रेलिया का तो उन्होंने वो हाल किया घर में, वो भी बी टीम ने, उनकी बी टीम ने ऑस्ट्रेलिया का देखें क्या हाल किया, हालांकि ऑस्ट्रेलिया की बिल्कुल ठीक टीम थी, स्टीव स्मिथ भी था उसमें, मैक्सवेल भी एक मैच के, हालांकि मैक्सवेल जिस मैच में खेला वो मैच जीत गए थे, हालांकि सर उनको तो जलील किया है, कभी सीनियर को डाल रहे हैं कभी जूनियर को डाल रहे हैं, अभी तो सीनियर को कभी डाल रहे हैं कभी जूनियर, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, मतलब उनके पास इतना, यही मैं आपको बता रहा हूँ कि उनकी दो टीम्स है, तीसरी भी वो बना सकते हैं, उनके पास इतना टैलेंट मौजूद है, आईपीएल से वो निकालते हैं, हालांकि उनकी सिर्फ एक ही लीग हम देखते हैं, इंडिया को इस टाइम कोई टीम हरा नहीं सकती, ऑस्ट्रेलिया ऐसी टीम है जो इंडिया को हरा सकती है, और ऑस्ट्रेलिया और मैंने आपको बताया इंडिया का लेवल बन गया, ये दोनों वर्ल्ड क्लास टॉप क्लास टीम है। आप ऑस्ट्रेलिया का नाम ले रहे हैं लेकिन ऑस्ट्रेलिया जितनी अपनी बेइज्जती करवा के गई लगता है कि वो इंडिया को हरा सकती है दोबारा? यार वो T20 सीरीज हार गई है लेकिन एक
नॉकआउट टीम जो नौ के नौ मैचेस जीती आ रही है उसको फाइनल में हराना, वन साइड ट्रेविस हेड की वो सेंचुरी, आप इधर से अंदाजा लगाएं। वो तो एक बैड डे हो गया था ना, हमने मान लिया, लेकिन उसके बाद देखें 4-1 से सीरीज भी तो इंडिया ने जीत ली ना, 7-4 ही तौर पे उन्होंने बदला उतार लिया। आपको पता है इंडिया अपने होम ग्राउंड में बहुत स्ट्रॉन्ग टीम है, उसको अपने होम ग्राउंड में हराना, तो अब साउथ अफ्रीका वाले टीम में क्या होगा? वही ना, इंडिया मतलब बाहर भी बहुत अपने होम ग्राउंड में तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, लेकिन बाहर भी वो किसी टीमों को नहीं हरा सकती। अब साउथ अफ्रीका जो कभी पिंक डे में हारी नहीं, आज फिर वो हार गई, बुरे तरीके से हार गई। साउथ अफ्रीका की क्रिकेट इतनी नीचे चली गई है, बिल्कुल हर वर्ल्ड कप में वो बेचारे सेमीफाइनल तक आते हैं, नहीं आगे जा सकते। अच्छा मुझे ये बताएं, उन्होंने श्रीलंका का बोर्ड खत्म करवा दिया, आपके साउथ अफ्रीका का तो नहीं बोर्ड खत्म करवाएगी इंडिया? हालात ये हालात, बीसीसीआई है ना उनका बोर्ड है, आईसीसी इंडिया का बोर्ड उनके, हर चीज इंडिया के, मतलब इंडिया हुक्मरानी का रहा है बिल्कुल इस टाइम, कह सकते हैं बेताज बादशाह बना हुआ है क्रिकेट का, बादशाह वो बीसीसीआई उनका, आईसीसी के बंदे उनके, उनकी मर्जी से। वो देखिए आप बिश्नोई, रवि बिश्नोई, वो कहां से उठ के टॉप पे आ गया, इस बात का जवाब दीजिए। लोग बड़े कह रहे थे इंडिया सिर्फ अपने घर में परफॉर्म कर सकता, बाहर जाकर परफॉर्म नहीं करता, लेकिन अब आप कह सकते हैं कि इंडिया जो है वो बाहर भी परफॉर्म करता है? किसने, जिन लोगों ने क्या उनके मुंह पे उन्होंने थप्पड़ मारा, क्यों नहीं कर सकता परफॉर्म? आपने वो जो T20 सीरीज हुई थी ऑस्ट्रेलिया और इंडिया की, उसमें ऑस्ट्रेलिया सिडनी ग्राउंड में उसने हार्दिक पांड्या ने 3 पे 12 छक्के मार दिए थे, इनको वो नहीं नजर आता ऑस्ट्रेलिया को? ऑस्ट्रेलिया में इन्होंने हराया, ठीक है, फिर टेस्ट मैच के अंदर ऑस्ट्रेलिया को सीरीज हराई यंग टीम ने इनकी, बिल्कुल वो इंडिया ऐसी टीम है। ये तो लोग ऐसी फजूल बातें करते हैं, ये जो जर्नलिस्ट बैठे हुए हैं ना, ये शुएब जट वगैरह, ये जो बाबर आजम को ऐवी इसने कह देना है, इसने कभी क्रिकेट का बल्ला नहीं पकड़ा तो ये बाबर आजम को बातें करता है, इसको अपनी गिरेबान में झांकना चाहिए। यार तूने कभी क्रिकेट नहीं खेली, तू बाबर आजम को कह रहा है ये T20 नहीं खेल सकता, इसको कप्तानी से हटाओ, तू बाबर आजम को, शुएब अख्तर, वसीम अकरम, जावेद मियांदाद, इंजमामुल हक, ये वो क्रिकेटर है, इनका पॉइंट ऑफ व्यू बनता है क्रिकेट भी, ये अगर बाबर आजम को कुछ बोले ना तब अच्छा लगता है। तू शुएब जट एक एंकर होकर तू टीवी पे बैठ जाते एयर वाई न्यूज पे, बड़े बड़े तू प्रोग्राम करके क्या था बाबर आजम कुछ नहीं, वो वसीम बदामी के शो में पूरे वर्ल्ड कप में जान खाई रही बाबर आजम की, बाबर आजम ने तेरा कुछ बिगाड़ा तो बता दे यार उसको, तेरे से माफी मांग लेते आगे। अच्छा ये बताइए, इंडिया में इस टाइम सबसे फेवरेट प्लेयर आपका कौन सा है? इंडिया में यार मेरा सबसे फेवरेट प्लेयर जो अभी तक जा रहा है ना वो शुभमन गिल जा रहा है, क्योंकि वो यंगस्टर में और वो बहुत आगे निकल रहा है, वो मतलब वो इस टच में है कि वो विराट कोहली रोहित शर्मा से कंपैरिजन कर सकता है, बिल्कुल ऐसे। अच्छा आपकी स्पोर्ट आज के मैच में किसकी थी, किसके साथ थी? यार आपको पता है स्पोर्ट तो साउथ अफ्रीका इंडिया के साथ हमारी स्पोर्ट हो नहीं सकती। क्यों नहीं हो सकती यार? नहीं ना, एक बस दिल से अल्लाह की तरफ से के तारीफें आपने सारी इंडिया की है, मतलब के हर आपने इंडिया को बेताज बादशाह भी कहा, आपने कहा इंडिया हर चीज में आगे जा रहा है, नंबर वन पे है, लेकिन फिर भी आपकी सपोर्ट अपने हमसायों के साथ नहीं। अब देखें, अब हमें पता होता है 95% चांस पाकिस्तान और इंडिया में, इंडिया के मैच में इंडिया के, फिर लेकिन फिर एक कहता दिल कहता पाकिस्तान के मैच में हम समझते हैं, ठीक है भाई आप अपने पाकिस्तान को सपोर्ट करें, लेकिन दूसरे जब किसी टीम के साथ मैच होता है तो आप इंडिया को क्यों नहीं सपोर्ट करते? बस यार ये तो अब दिल का है ना, अब हमारा नहीं दिल करता, हम पता है सबको ये कि वो वर्ल्ड क्लास टीम है, लेकिन फिर भी कहते हैं यार ये हार जाए लेकिन वो नहीं हार वो हर जगह पे अपने आप को प्रूव कर देते हैं, लेकिन बहुत से फैंस उनके हो गए हैं और हमें भी अब कर लेना चाहिए कि यार मान लेना चाहिए कि वाकई इंडिया यार इंडिया ही है और उसने क्रिकेट को इतना प्रूव किया, इतना ODI मैच था जो कि T20 में कन्वर्ट कर दिया गया, क्या कहेंगे इंडिया के आज बेहतरीन परफॉर्मेंस के लिए, साउथ अफ्रीका को 116 रन पे घर भेज दिया आराम से। हाँ बिल्कुल, तैयारी के साथ गए थे आज और तबाही फेर के आए हैं, जिस तरह साउथ अफ्रीका उछल रहा था ना बारिश की वजह से, असल में वो पहले T20 जीते हैं तो आज जो है ना बारिश नहीं थी तो एक्सपोज हो गए हैं, अपने घर में खुद एक्सपोज हो गए हैं, तो जिस तरह मतलब आज बैटिंग लाइन रही है इनकी, इंडिया की बॉलिंग लाइन रही है, मैं कहता हूँ जनाब तबाही फेर दिया है। अभी शान के लिए क्या कहेंगे, एक यंग टैलेंट जो है वो साउथ अफ्रीका में टूर करने गया और उसने 4 विकेट्स लिए हैं, क्या कहेंगे इंडिया के इस यंग टैलेंट के लिए? बिल्कुल, मतलब उस बंदे की एक लेंथ देखें, कैसे बॉलिंग करवा रहा है अगला, और बड़े बड़े प्लेयर को वो आउट करी जा रहा है, बिल्कुल तो मैं ये समझता हूँ कि इसको आगे भी लेके जाएं, अगले मैच खिलाएं ताकि अच्छी ये जो है मतलब बॉलिंग करवाएं और फिर वर्ल्ड कप में भी इनको लेके जाएं, क्योंकि जाहिर सी बात है यही काम आना है, बिल्कुल, और विनिंग के लिए भी यही खिलाड़ी जो होते हैं ना बेहतरीन परफॉर्मेंस करते हैं। बिल्कुल ऐसे, अगर साउथ अफ्रीका की टीम देखें तो बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स थे, एडन मार्करम था, डेविड मिलर था, तबरेज शमसी था, वेंडरसन था, क्लेसन था, इतने बड़े बड़े प्लेयर्स और लेकिन 116 रन पे ढेर, वो भी घर, यार क्या कहेंगे भाई। वो उन्होंने जो है ना उनके बड़े बड़े बैट्समैन को ना उन्होंने वो नीचे वाली सी टीम है ना जो इंडिया की, हाँ। उसके मुकाबले बल्कि उससे भी नीचे गिरा दिया तबाही, मैंने कहा जनाब लाजवाब इन्होंने आज परफॉर्मेंस किया और तबाही फेर दिया।